सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। सो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट देने वाला हूँ। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस हर जगह रिपीट होते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल है। उससे पहले कुछ जरूरी पॉइंट सुन लो। तो CBSE का SST का पेपर है 15th को एंड बाकी स्टेट्स की अभी डेटशीट आई नहीं है। एंड अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप NCERT बुक लेकर के लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठो। तो अभी आप क्या कर सकते हो, तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को समझ लिए हो तो बहुत बढ़िया। एंड अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, आप नहीं समझे हो कि उस सब्जेक्ट में होता क्या है, उस चैप्टर में क्या होता है, तो सबसे पहले जाओ और वन शॉट वीडियो देखो। मैंने भी एनिमेटेड एक्सप्लेनेटरी वीडियोज अपलोड कर रखा, उसको भी आप देख सकते हो। वो वन शॉट एनिमेटेड वीडियोज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप देख लेना। एंड देन फिर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ो एंड ये जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि SST का पेपर है। रटने से काम नहीं चलेगा, आपको रट के नहीं जाना है। आप SST का पेपर रट के अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आप इसको समझ के जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आंसर्स पॉइंट्स में देना है, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ट्राई करना कि कुछ ना कुछ रिलेटेबल तो जरूर लिख दो, जैसा तैसा लिख दो, टूटे फूटे सेंटेंस में लिख दो, बट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है आंसर अटेम्प्ट करना, अगर आप आंसर ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है, आराम से पढ़ लो, लैंग्वेज भी इसके बहुत ईजी है। एंड उसके बाद ट्राई करना कि आप खुद से अपना आंसर लिखो इन पॉइंट्स, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से पेपर देना, पेपर को हॉचपॉच मत करना, पेपर अपना प्रेजेंटेबल रखना। टाइम बचे तो कोशिश करना कि हर आंसर के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि इन्विजिलेटर के लिए आसानी हो एंड आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल लगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोई 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाना है। क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप वहां से नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाओ पढ़ो, इतना भला ही कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। सो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।